सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑडिट्स चैनल न्यूज एमडी में। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गस क्वार्टर फोर का जो डाटा है वो तो फाइनली आ चुका है और कंपनी को बड़ा लॉस का जो सामना है वो ऑलरेडी यहाँ पे करना पड़ चुका है। तो दोस्तों मैंने चार्ट के एनालिसिस में ये बताया था कि कल बड़ी रिटर्न्स में भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा और लोअर सर्किट का भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल टाइम दोस्तों आज का अब क्या चार्ट संकेत यहाँ पे नजर आने वाला है और फिलहाल टाइम दोस्तों शेयर होल्डर्स अभी के टाइम में दोस्तों अच्छी खासी गिरावट होने के बावजूद भी अभी के टाइम बाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस वजह से बाई करते हुए नजर आ रहे हैं और अब आगे क्या फंडामेंटल रहने वाला है। दोस्तों अगर शेयर की प्राइस के ओपनिंग की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 63.10 रुपये के साथ शेयर की अच्छी खासी ओपनिंग तेजी के साथ नजर आई। अब इस बीच यहाँ पे देखा जाए तो 63.45 रुपये तक शेयर में अच्छा खासा जंप भी नजर आया, पर इस बीच यहाँ पे देखा जाए तो 60.30 रुपये तक शेयर में आज गिरावट भी आप लोग को नजर आई। दोस्तों गिरावट के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कैप में भी अच्छा खासा गिरावट का सामना आज करना पड़ा है दोस्तों, क्योंकि पिछले जो चार्ट एनालिसिस में हमने जो मार्केट कैप वॉच किया था उसमें 12.21 ट्रिलियन करोड़ का जो मार्केट कैप था वो हमें देखने को मिला था। अब वापस से यहाँ पे देखा जाए तो 11.94 ट्रिलियन करोड़ का जो मार्केट कैप है उस पर यहाँ पे आ चुका है। तो फिलहाल एक बड़ी गिरावट आज यहाँ पे देखने को मिली है दोस्तों। अब इस बीच यहाँ पे देखा जाए तो 1.45 रुपये का लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा और रिटर्न में जो गिरावट देखने को नजर आई है दोस्तों वो 2.31% की जो भारी गिरावट है वो यहाँ पे ऑलरेडी नजर आई। अब इस बीच यहाँ पे देखा जाए दोस्तों अच्छी खासी गिरावट के बावजूद क्वार्टर के अंदर कंपनी को बिल्कुल भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला दोस्तों, उसके बावजूद शेयर होल्डर अभी के टाइम बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी जो बाइंग क्वांटिटी है वो अभी के टाइम यहाँ पे देखने को मिल रही है और लगातार दोस्तों अच्छी खासी जो बाइंग देखने को मिल रही है वो दोस्तों आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए के बजाय दोस्तों शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए दोस्तों अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल टाइम यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की जो गिरावट है वो अभी के टाइम अभी जारी होने बाकी है, क्योंकि दोस्तों अब जो शेयर की जो प्राइस है वो 50 के अंडर एक बार फिर से आती हुई नजर आने वाली है। 50 से दोस्तों शेयर की जो प्राइस है वो गिरावट में जाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों मार्केट अच्छा खासा एक बार फिर से क्रेश यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, फंडामेंटल में अच्छी खासी गिरावट का सामना ऑलरेडी करना पड़ चुका है। तो दोस्तों फिलहाल टाइम शेयर होल्डर अच्छी खासी जो सेलिंग है वो भी यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे और लगातार शेयर को दोस्तों एग्जिट करते हुए ज़्यादा नजर आने वाली, क्योंकि लगातार शेयर में जो भारी गिरावट का जो सामना है वो ऑलरेडी यहाँ पे करना पड़ चुका है, उसके बावजूद अभी के टाइम शेयर की जो गिरावट थी वो नॉन स्टॉप वापस से जारी होती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी को लगातार लॉस का सामना ज्यादा करना पड़ने वाला है। फिलहाल के टाइम दोस्तों जो बाइंग करने की जो अपॉर्चुनिटी जो देखने को मिल रही है वो इस वजह से देखने को मिल रही है कि शेयर की जो प्राइस है वो अच्छी खासी गिरावट पर नजर आएगी। दोस्तों मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि जो 59.65 रुपये वाला जो लो प्राइस है, 52 वीक की जो लो प्राइस है, उसको दोस्तों नई यहाँ पर प्राइस हिट होती हुई नजर आने वाली है और नई प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर ऐड होती हुई आने वाली है दोस्तों 5 दिन के अंदर आप लोग को वो देखने को मिल जाएगी। इस चीज़ की मैं आप लोग को सिक्योरिटी मैं आप लोग को पहले ही दे देता हूँ दोस्तों। फिलहाल के टाइम दोस्तों बाइंग करने का जो अपॉर्चुनिटी इस वजह से देखने को मिल रही है दोस्तों 50 के अंडर तक अगर शेयर की प्राइस वापस से गिरती है तो दोस्तों वापस से रिकवर क्योंकि तो रिकवर होने के लिए दोस्तों कम से कम अगर यहाँ पे देखा जाए तो 10 से 15 रुपये का जो सर्किट है वो तो अच्छा खासा रिकवरी पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उस प्रॉफिट 15 रुपये वाले प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए अच्छी खासी जो सेलिंग थी वो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स कर चुके हुए नजर आए थे पिछले टाइम। अब दोस्तों जिस प्रकार शेयर की गिरावट होगी उस टाइम बाय करते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल एक टाइम दोस्तों बेसिक जानकारी की ओर आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ, उससे पहले बता दूँ चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कि शेयर में अच्छी खासी बाइंग क्वांटिटी फिर से देखने को नजर आई दोस्तों। 504 शेयरों में जो क्वांटिटी है वो बाइंग पर 61.15 रुपये के प्राइस पर आज नजर आए। उसी बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज का कारोबार जो देखने को मिला है दोस्तों 36,66,857 शेयरों का कारोबार ऑलरेडी नजर आया। टोटल मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,98,370 का जो टोटल मार्केट के अभी के टाइम में यहाँ पे नजर आने वाला है। अगर इसी बीच यहाँ पे देखा जाए तो आंतरिक जो फंडामेंटल आज उसमें दोस्तों वापस से बड़ी गिरावट का सामना यहाँ पे करना पड़ा है। सिक्योरिटी व्याज दोस्तों आप लोगों को पिछले टाइम 27 का जो देखने को मिल रहा था वो आज 25 का नजर आया। उसी बीच यहाँ पे देखा जाए अप्लाईकेबल मार्जिन रेट तो दोस्तों 32 का नजर आया तो वह 28.5 के आसपास नजर आने वाले। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल में गिरावट का सामना करना पड़ा है। उसी बीच आज की डिलीवरी यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 38.58% की डिलीवरी आज देखने को मिली है। तो गिरावट का जो दौर है वापस से कंटिन्यूसली जारी होता हुआ नजर आने वाला है। लगातार गिरावट का जो सामना है वो करना पड़ेगा, पर फिलहाल हम दोस्तों जितनी ज़्यादा गिरावट हो उसी लेवल से आप लोग को बाई करना है और एवरेज करने की कोशिश आप लोग को करने की ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर फोर में तो कंपनी को अच्छी खासी गिरावट का यहाँ पे सामना करना पड़ चुका है, पर जो ऑल ओवर का जो रिटर्न है उसमें रिकवरी दोस्तों अच्छी खासी बढ़त पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो आर ओ सी देखने को मिले उसमें 41.7 यहाँ पे अभी के टाइम देखने को मिला, जो पिछले टाइम दोस्तों 35 का नजर आया। तो रिकवरी धीरे धीरे ऑलरेडी देखने को मिली, पर गिरावट का सामना भी अच्छा खासा करना पड़ा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज एवरेज यहाँ पे कम देखने को मिली है दोस्तों, और सेल्स की जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे कम देखने को मिली है। अब उसी बीच यहाँ पे कर्जदार के जो दिन 27 यहाँ पे नजर आ रहे थे वो 36 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर्स का जो रिजल्ट है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बार फिर से वॉच कर लेते हैं। 280 करोड़ की सेल कंपनी की नज़र आई दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2 करोड़ की कमी यहाँ पे देखने को मिली। अगर इसी बीच यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो अदर इनकम है का सोर्स तो देखने को मिला, उसमें 1 करोड़ की प्रॉफिट यहाँ देखने को मिली। अगर इसी बीच यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज अवरेज अनुपात की अगर बात की जाए, इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, तो 379 करोड़ का जो इंटरेस्ट है आप लोग को देखने को मिलने वाला है। उसी बीच यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी दोस्तों जो धीरे धीरे जो रिकवरी है वो यहाँ पे नजर आ सकते हैं, इसे जिसे हम मान सकते हैं दोस्तों। क्वार्टर वन की अगर बात की जाए तो क्वार्टर वन में 295 करोड़ का नेट लॉस का सामना करना पड़ा। उस बीच यहाँ पे देखा जाए 293 करोड़ का नेट लॉस का सामना करना पड़ा, और फिर 280 का और 277 का। दोस्तों धीरे धीरे जो लेवल है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी को कुछ ज्यादा प्रॉफिट का सामना नहीं करना पड़ रहा दोस्तों। लगातार गिरावट का जो दौर है वही यहाँ पे नजर आने वाला है। अभी टाइम वर्तमान टाइम में देखा जाए तो कंपनी के पास दोस्तों 1145 करोड़ का नेट जो कर्जा है वो यहाँ पे नजर आने वाला है। फिलहाल टाइम दोस्तों आपकी क्या बेसिक रहने वाली है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।